हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप है, अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ छाया में, पेड़ के नीचे खड़ी होकर गोलू के वैन आने का। तो गोलू के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ उसका, क्योंकि बैग वगैरह बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है उसका। और वैन आ जाएगी, उसके बाद गोलू आ जाएगा, फिर घर चलेंगे। धूप बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब इतनी ज़्यादा कड़ी धूप है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है धूप में। तो यहाँ पर मैं छाँव में खड़ी हूँ और उसको वैन आने का वेट कर रही हूँ फिलहाल। तो वेट करते हैं गोलू के वैन आने का। वो देखिए पीछे जो रास्ता दिख रहा है ना, उस रास्ते से आएगी और उधर आगे जाएगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए देखते हैं गोलू कब तक आ जाता है, वेट तो अभी हो रहा है और हवा चल रही है गर्म गर्म हवा, बिल्कुल एकदम 1:15 बज गया है पर अभी तक वैन नहीं आई है। पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चों को छोड़ती है, उसके बाद आती है, काफ़ी लेट हो जाता है। स्कूल भी आजकल इतना ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, और इतना ज़्यादा मतलब जैसे 11:30 बजे तक बच्चों को छुट्टी दे देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, पर कहाँ 12:30 बजे तक। वैन आने में 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है और बच्चे बाहर रहते हैं इतनी धूप में, तो अच्छा नहीं लगता है। खैर देखते हैं क्या होता है हमारे। तो बस वेट चल रहा है और क्या। तो ये देखिए गोलू का वैन आ गया है अभी। आई होप आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि येलो कलर का वैन है, ये गोलू का वैन है। तो अब आ गया गोलू घर, देखिए वैन तो चलती है, चलते हैं गोलू को लेने के लिए। हाँ चुप रहो। देखिए फाइनली गोलू स्कूल से आ गया है। गोलू इधर देखो, कितना धूप लगा और पढ़ाई किया कि नहीं, कितना काफ़ी भारी है गोलू का बैग। फाइनली घर आ गया है गोलू, और ये देखिए उसका बैग, काफ़ी भारी भरकम सा बैग। और ये रहा तरबूज, अभी गोलू खाएगा। ये गोलू के पापा लेके आए थे अपने मामा के घर से, मतलब वो अपने मामा के घर गए थे तो वहाँ पे उनको मिल गया ताज़ा ताज़ा, तो वो ये सब लेकर आए हैं। और ये आम है, जला के रखा गया है इसको, मतलब आग में पका के इसका बनेगा शरबत। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।